नमस्कार, ये वक्त है दिन भर की पूरी खबरों को एक ही बुलेटिन में देख लेने का। आइए नजर डालते हैं आज के कंप्लीट बुलेटिन पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बाजारी में बुंदेली उत्सव का आयोजन चल रहा है। ये 23वां बुंदेली उत्सव है। 16 तारीख से इसका आगाज हो गया था और अब दिन की प्रतियोगिताओं में जहां बैलगाड़ी दौड़, नौका दौड़, कबड्डी, कुश्ती इस तरह की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, तो वहीं 20 तारीख से रात के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चौथे दिन कबड्डी के फाइनल मुकाबले खेले गए, तो वहीं दंगल और रस्साकशी खेलों में खिलाड़ियों ने अपने दांव पेच दिखाए। यहां बनी टपरा टॉकीज में बुंदेली सिनेमा के प्रदर्शन के अंतर्गत आधा दर्जन फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। मंगलवार को लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा विदेशी मेहमान भी बुंदेली कला और खेलों को देखने के लिए ग्राम बसारी पहुंचे। बुंदेली खेलों और संस्कृति को समझने के लिए खजुराहो घूमने आए पर्यटकों का एक दल बसारी भी पहुंचा। यहां पर्यटकों ने कबड्डी और दंगल के मुकाबलों का आनंद उठाते हुए खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें भी ली। विजेता खिलाड़ियों और पहलवानों को पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह के द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। Yes, and to let the women watch too. We were really happy to see other females here. We wanted to stand up and applaud for the two women wrestlers. We were that proud of them. And I think the women were equally as good as the men, and you should have more women playing. आज बुंदेली उत्सव का चौथा दिन है और चौथे दिन शुरुआत में ही कबड्डी के महिला पुरुष के मुकाबले खेले गए और वहीं सेमीफाइनल्स मुकाबले और फाइनल मुकाबले भी खेले गए हैं। यहाँ महिला वर्ग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला IDS वर्सेस लोगों के बीच हुआ, उसमें IDS स्कूल जीता रहा और दूसरा मुकाबला सागर और बक्सवाहा के बीच खेला गया, जिसमें सागर की टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ फाइनल मुकाबला एक बहुत ही रोचक हुआ, IDS स्कूल बनीठा और सागर के बीच खेला गया, जिसमें IDS स्कूल की टीम गलतियों के थोड़ी बहुत की हैं उन्होंने, तो वो फाइनल हार गई हैं, लेकिन सागर का एक लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिला है और सागर देश में बुंदेली उत्सव की महिला वर्ग की विजेता टीम रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को लगातार श्रद्धांजलि देने के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में महर्षि विद्या मंदिर द्वारा शहर के छत्रसाल चौराहे पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में NCC बटालियन के सूबेदार अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं ने और पूरे स्टाफ ने मिलकर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्राचार्य सी के शर्मा का कहना था कि जो जवान बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम देश की सेवा के लिए तत्पर रहें और अपना काम मुस्तैदी से और ईमानदारी से करें। आज के बटालियन रेजिमेंट है और ये हमारे जो शहीद हैं, इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देखे रखे आप शहीदों को सलूट किया कर रहे हैं और शहीदों को सलाम करने के बाद उन्होंने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के लिए हमेशा ही समर्पित हो जाते हैं, बिल्कुल अपने परिवार अपने समाज के लिए और कोशिश कर देते हैं, तो आप देखिए उन्हीं हमारे शहीदों के माल्यार्पण कर सकते हैं। दमयंती सिंह जी मनोज सिंह जी कर रहे हैं माल्यार्पण। ये हमारे पुलवामा में जो हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमने ये कार्यक्रम रखा है
और उसमें हमने एनसीसी के जो हमारे सूबेदार साहब हैं, नायब सूबेदार साहब हैं, उनको यहाँ पर बुलाया है चीफ गेस्ट के रूप में। और ये श्रद्धांजलि के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये जो शहादत है हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए। और केवल ये जवानों का ही कर्तव्य नहीं है देश की रक्षा करना, देश के या नागरिकों की रक्षा करना, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वो तो बॉर्डर पर खड़े सीधे गोली सहन कर रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़कर शहादत दे रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम राष्ट्र में एक सच्चे नागरिक बनकर हर प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक रूप में, जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो, हम आगे बढ़कर देश की सेवा करें। सबसे पहले यहाँ पर जो CRPF के जवानों को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम किया, मेरे को बहुत खुश लगा। वैसे तो हम एक वर्दी पहनने से LC में हो या कहीं भी बॉर्डर इलाका में हो, हम रात दिन देश के सेवा में रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे भारत माता की एक इंच भी ज़मीन दुश्मन के हाथ न चला जाए, इसके लिए हम रात दिन हम काम करते हैं। उसी प्रकार से सियाचिन ग्लेशियर में -60 डिग्री तक इलाके में भी हम इस प्रकार से काम करते हैं। तो हम इस वर्दी पहनने से अगर हम भारत माता के बचाने के लिए हम अपने शरीर को कुर्बान भी करें, इसके लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो अंत में इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो श्रद्धांजलि हुए हुए सभी शहीदों को सुख समृद्धि को कामना करते हुए मैं दो शब्द यही खत्म करना चाहूँगा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर में एक नवविवाहिता द्वारा घर में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक वार्ड क्रमांक 14 पठान मोहल्ला में महेंद्र रजक की पत्नी 20 वर्षीय रागनी रजक घर पर फांसी के फंदे से झूलती मिली। हालांकि इस मौत के कारणों की जानकारी नहीं लगी है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का ही प्रतीत हो रहा है। कल ज्योति रजक ने रिपोर्ट की थी तो मृतका है रागनी रजक, 20 साल की, वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। उसकी रिपोर्ट मर्ग क्रमांक 2 कायम किया गया है। और आज FSL अधिकारी, नायब तहसीलदार, हम लोग जाकर पंचनामा किए, लाश को भेज दिए PM कराने अस्पताल, और जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं उसकी, इस कारण से आत्महत्या की। मैंने रागनी रजक के उम्र लगभग 20 वर्ष, एक नवविवाहिता अभी आई थी डेड बॉडी, उसका पोस्टमार्टम मैंने किया है और वह उसने फांसी लगा के आत्महत्या की है। एंटीमार्टम हैंगिंग केस है जी सर। प्रथम दृष्टया कैसे समझ में आया आपको? सुसाइडल है, आत्महत्या की है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला छतरपुर द्वारा एक बैठक आयोजित कर सरकार के नाम एक मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र के अनुसार उनका ये कहना है कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, सरकारी सेवा में लिया जाए, क्योंकि वे लगातार काम कर रहे हैं और उनके लिए काम लगातार निकाला भी जा रहा है। बावजूद इसके ठेका प्रथा जारी है जिसकी वजह से उन्हें काम भरपूर करना पड़ता है, लेकिन उसके एवज में उनको उतने पैसे या वो सैलरी नहीं मिलती जो कि एक सरकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए। शहर के गांधी आश्रम में इस बैठक का आयोजन किया गया था। आज कंप्यूटर ऑपरेटरों की समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक तो सरकार अपना कर्मचारी मानती नहीं है, दूसरा कार्य भी कराती है, सरकारी काम भी होता है, चुनाव में ड्यूटी लगती है, हर प्रकार से काम करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन उनको तनख्वाह कभी सही नियमित तरीके से मिलती नहीं है। एक बात तो ये हो गई, दूसरी ये है कि उनको पेमेंट भी उचित नहीं मिलती है, कहीं 5,000 रुपये मिलती है, कहीं 6,000 रुपये मिलती है। आज के समय में इतने तनख्वाह से, इतने कम तनख्वाह से चलता नहीं है घर। तो इसके कारण से हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, उस संगठन के माध्यम से हम लोग शासन को अवगत करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आउटसोर्स पद्धति जो है वो हम लोग समाप्त करना चाह रहे हैं। आउटसोर्स प्रथा ख़त्म करके सीधे कंप्यूटर ऑपरेटरों को अनुबंधित किया जाएगा सरकार से, तो डायरेक्ट इनको सैलरी मिलेगी। सीधी सी बात है कि अगर इन लोग काम कर रहे हैं विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से, तो इट मीन्स कि काम है विभाग में, तभी इनसे काम लिया जा रहा है। तो आउटसोर्स मतलब ठेका, एक ठेकेदार के माध्यम से क्यों कराया जा रहा है? सीधे इनके माध्यम से कराया जाए, सीधे इनको अनुबंधित किया जाए ना। देखिए, अगर संगठन है तो नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग बराबर हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे,
13 तारीख को हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आजाद अध्यापक संघ द्वारा भी पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को और उसके पश्चात एक और घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। महाराजा कॉलेज के पास स्थित करगिल विजय चौराहा पर एक कैंडल मार्च निकाला गया और उसके बाद सभी अध्यापकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शिक्षकों के हाथों में तख्तियां भी नजर आ रही थी, जिसमें उन्होंने भारत के भीतर जो गद्दार काम कर रहे हैं उनको भी खदेड़ने की मांग की, गुजारिश की है। कश्मीर के पुलवामा में एक कायराना आतंकी हमले में जो भारत के सैनिक सीआरपीएफ के जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, इसके बाद मुठभेड़ में जो सैनिक शहीद हुए, तो ये कायराना हरकत के खिलाफ हम लोग आज आजाद अध्यापक संघ द्वारा शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं सटई की। यहां पर सटई में संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर नगर के तमाम लोगों के द्वारा एक शोभा यात्रा नगर से निकाली गई। बता दें आपको, यह शोभा यात्रा मेन मार्केट से होते हुए बस स्टैंड से पूरे नगर में भ्रमण करते हुए मंदिर पर जाकर समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में सबसे पहले संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं आरती भी की गई। उसके पश्चात यह शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जहां संत रविदास जी की शोभा यात्रा में भीम आर्मी के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया और हिस्सा। संत शिरोमणि रविदास जी की 642वीं जयंती है। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे समाज की रविदास मंदिर विकास समिति द्वारा आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें सभी क्षेत्र से करीब 5-6 हजार लोग आए हुए हैं। 42वीं जयंती मना रहे हैं, तो इसमें स्वस्थ जाट और समाज और अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, जो बनावे के लाने मतलब बौद्ध गुरु भी शामिल हुए हैं। इस रैली को भारी में जोड़वे के लाने आज उपस्थित। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं अभिनंदन बसाई। जानते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि जिला अस्पताल में आज सुबह से ही भीड़ लगना चालू हो गई। मरीजों की संख्या रोजाना की तरह कुछ ज्यादा ही दिखी, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाएं भी सामने दिखी। मरीजों को इधर उधर भटकना ही पड़ा, तो वहीं पर्चे को लेकर बात बात की स्थिति भी सामने आई। क्या कुछ है, देख लें पूरी इस खबर को, किस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं और मरीजों को क्या क्या दिक्कतें यहां पर आ रही हैं। आइए देख लेते पूरी खबर के माध्यम से। तो अभी आपने देखा होगा किस तरह से जिला अस्पताल में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आज भीड़ देखने को मिली और यहाँ पर पर्चे को कटवाने को लेकर यहाँ पर लोग झगड़ते हुए भी सामने नजर आए। इस तरह की यहाँ अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं और मरीजों को यहाँ परेशान होना पड़ता है और वहीं डॉक्टरों को भी ढूंढना पड़ता है कि डॉक्टर बैठे कहाँ पर हैं। हॉस्पिटल में कम से कम 400-500 लोग लाइन में खड़े हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक काउंटर चालू है, एक काउंटर बंद है। एक काउंटर लगा बाहर है, घूमता फिरता है, मोबाइल चलाता है। डॉक्टर वगैरह अभी तो बैठे, लेकिन जब तक पैसा करें तो वो बच जाएंगे, मरीजों को दिक्कत होगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है छतरपुर से। छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विभाग के अंदर बैठे रहे और बाहर से एक व्यक्ति ने ताला लगा दिया। दरअसल ये व्यक्ति इसी विभाग के चतुर्थ श्रेणी वर्ग का एक कर्मचारी है, जो पिछले 5 महीने से अपनी वेतन न मिलने के कारण नाराज था। जानकारी के मुताबिक खजुराहो के बालिका छात्रावास में पदस्थ शिवनारायण अहिरवार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। शिवनारायण ने बताया कि पिछले 5 महीने से उसका वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण वो दुखी है और परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। वेतन न मिलने से नाराज शिवनारायण ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग में तालाबंदी कर दी और अपना विरोध कुछ इस अंदाज में प्रकट किया। मैं सर अपने जनजाति कार्यालय जिला छतरपुर आया था। समस्या मेरी ये है कि मेरे बच्चे की फीस जमा होना है और लास्ट पेपर है उसका, वार्षिक परीक्षा फीस जमा होनी 2100 रुपया। तो विगत पाँच माह से तनख्वाह नहीं मिली, अब हम कहाँ से फीस जमा करें। मैंने सर से कहा कि 5000 की व्यवस्था करा दो, कहीं से तनख्वाह मिले तो वापस कर देंगे। बोले यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती। क्यों नहीं मिल रही वेतन?
वेतन करे, बजट नहीं है, 5 माह से बजट नहीं है। तो फिर आपने क्या किया? हमने ताला लगा दिया ऑफिस में। कब से ताला लगा है? 3 घंटे से। पैसे अगले चल के और आगे हड़ताल करेंगे हम लोग। पैसे ना मिलने से सर पूरे चौपट है। राशन वाला दुकान वाला राशन नहीं दे रहा है, बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही, बार बार उन्हें भगा दिया जा रहा है। तो स्कूल अधिकारी कहाँ हैं? आपने ताला लगा? अंदर हैं सर। तो आपने ताला लगा दिया? लगा दिया सर। नहीं खोलना क्या होगा? अब खोलेंगे सर, कुछ आश्वासन तो मिले क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी की बंद ही कर देंगे। इस मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक आरपी भद्रसेन ने कहा कि पिछले 4-5 महीनों से शासन स्तर से बजट ना आ पाने के कारण ये समस्या निर्मित हुई है। जिले के लगभग 80 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो कर्मचारियों का बजट ना आने की वजह से कर्मचारी परेशान है। 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, बजट फाइनेंस में जो है वो अप्रूवल के लिए गया है, जैसे अनुमोदन होकर आ जाता है तत्काल उनका वेतन मिल जाएगा। कितने कर्मचारी हैं ऐसे के जिनकी वेतन नहीं मिली अभी? 70-80 कर्मचारी होंगे। आज ताला लगाया था आपके विभाग में इसने? नहीं नहीं, हम ताला खुला हुआ है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छात्र छात्राओं से मनमानी, यात्री किराया वसूलने वाले बस मालिकों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने बुधवार को छतरपुर के आरटीओ कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इन लोगों ने यहां पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और विभाग से मांग की कि छात्र छात्राओं के यात्री किराए में छूट दिलाई जाए। आपको बता दें कि लगभग 7 दिन पहले भी इन छात्रों ने छतरपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि जो बाहर से छात्र छात्राएं छतरपुर जिला मुख्यालय पढ़ने के लिए आते हैं उनके किराए में छूट की जाए ताकि उनकी पढ़ाई सस्ती हो सके। इस मामले में एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन इन लोगों ने किया और तालाबंदी की। इसके बाद आरटीओ विक्रमजीत सिंह ने भी अपनी बात रखी और कहा कि ये शासन स्तर से होने वाला निर्णय है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछली दिनों हमने माननीय कलेक्टर साहब को छात्रों के हक के लिए एक ज्ञापन सौंपा था, उसमें हमने मांग रखी थी कि जो भी किराया दूर दराज से छात्र छात्राएं आती हैं उनका उनकी आइडेंटिटी के द्वारा किराया माफ़ किया जाए। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे जो आरटीओ में दलालों के द्वारा जो लाइसेंस बनाए जाते हैं वो सब बंद किए जाएँ और जो ऑनलाइन सुविधा दी जाती है उसके द्वारा लाइसेंस बनाया जाए। दूर दराज से जो महिलाएँ आती हैं उनकी सीट रिजर्व की जाए और जो भी यहाँ फिटनेस टेस्ट बसों के द्वारा जो हादसे होते हैं हर महीने आरटीओ में बसों की फिटनेस टेस्ट की जाए। हमने माननीय कलेक्टर साहब को पिछले दिनों 8 तारीख को ज्ञापन दिया था, उसमें उन्होंने हमारी ना कोई सुनवाई की ना हमारी मांग पूरी की। हमारे छात्र छात्र जो आते हैं दूर दराज से बसों से वो आ नहीं पाते हैं, किराया माफ नहीं हो पाता है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है। आज उसी की मांग को लेकर हम सभी छात्र छात्र उनके सम्मान में उनके हक में यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे कोई प्रशासन हो चाहे जो कुछ हो, हम यहाँ पर उनकी मांग पूरी करके रखेंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हें आना पड़ेगा। अगर उन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की तो इससे और भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। छात्र संगठन, छात्र संगठन। तालाबंदी हमने इसलिए की है कि आरटीयू का पूरा काम रोक दिया जाए, क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। छात्रों का हित सबसे बड़ा हित होता है, जो दलाली होती है वो बंद की जाए। जो भी यहाँ दलालों के द्वारा जो भी घूसखोरी होती है उस संबंध में हमने यहाँ तालाबंदी की है और जो हमारी पिछली मांग पूरी नहीं हुई थी उस संबंध को लेकर हमने यहाँ आज तालाबंदी की है। जी, वो छात्रों का किराया माफ़ी के लिए जो ग्रामीण से आ रहे हैं गरीब छात्र, उनके किराया माफ़ी के लिए और शहर के और वो आरटीओ कार्यालय में हर चैम्बर में कैमरे लगवाए जाएँ और आरटीओ द्वारा बसों का फिटनेस टेस्ट हर महीने होना चाहिए जिससे दुर्घटना आदि कम हो सकें और महिलाओं की सीट रिजर्व की जानी चाहिए और बिना ड्राइविंग टेस्ट के दलालों के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं वो बंद किए जाएं। आज तालाबंदी, हम लोगों ने तालाबंदी की है आरटीओ ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में तालाबंदी की है और आज हम लोग यहीं बैठेंगे जब तक आरटीओ साहब हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं। देखिए, मूलतः इन छात्रों की मांग ये है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों से और तहसील स्तर से जितने भी छात्र आते हैं वो उनका सबका ये कहना है कि उनका जो भी बसों में किराया लगता है उसका 50% किराया उनसे लिया जाए। इस संबंध में इनका कहना है कि इनने पूर्व में कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन दिया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है आज तक।
तो मैंने उनका ज्ञापन लिया है और उनको ये समझाया भी है इस संबंध में कि चूंकि ये शासन स्तर का मामला है, जो भी किराए का निर्धारण होता है वो शासन स्तर से होता है, तो इस संबंध में शासन में वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनको सूचित किया जाएगा, जो भी आपकी मांगे हैं उनको आपका ज्ञापन की कॉपी जो है वो दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि छात्र ये चाहते हैं कि जितने भी दूरस्थ क्षेत्रों से छात्र आते हैं उन सबको 50% किराए में छूट दी जाए। देखिए, चूंकि ये जिला स्तर से संभव नहीं है, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो समूचे प्रदेश स्तर के लिए होगा और जो भी निर्णय होगा वो शासन स्तर से होगा। अब शासन क्योंकि इसमें जो भी निर्णय लेगा वो सब तरीके से, जैसे उसमें गजट नोटिफिकेशन होता है किराए को लेकर, उससे पूर्व में आपत्तियां बुलाई जाती हैं, जो भी आपत्तियां आती हैं उन पे, जो भी वैध आपत्तियां होंगी उन पे विचार किया जाएगा, उसके पश्चात ही कोई भी कार्रवाई जो है वो हो पाएगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। शहर में बढ़ते जुआ सट्टा और अवैध शराब के विक्रय से नाराज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह को ज्ञापन सौंपा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि छतरपुर में अनेक स्थानों पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। बस स्टैंड पर एक अवैध अहाता चलाया जा रहा है, चौबे तिराहे पर शाम होते ही शराबखोरी शुरू हो जाती है और सिविल लाइन के ठीक पीछे सट्टे का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस इस पर रोक नहीं लगा रही है। यही वजह है कि खुलेआम जुआ सट्टा होने के कारण युवा पीढ़ी कर्ज के तले दब रही है और आत्महत्याओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। शहर में जगह जगह पर बस स्टैंड पर एक नंबर जो इंग्लिश वाइन का ठेका है उसके बगल में अवैध रूप से एक अहाता चलाया जा रहा है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में अहाता का लाइसेंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। सिटी कोतवाली पुलिस की साठगांठ से अहाता फर्जी रूप से चलाया जा रहा है। इसके साथ में चौबे तेराहा पर शाम को 7:30 बजे से लेकर और रात के 10:30 बजे तक शराबखोरियों का जमावड़ा यहाँ पर लगता है, वो यहाँ ड्रंक करते हैं, आम जन जो वहाँ से पैदल निकलते हैं उनसे अभद्रताएँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं और साथ ही में सिविल लाइन थाने के जस्ट पीछे जुआ खिलाया जा रहा है, पुलिस की साठगांठ के साथ खिलाया जा रहा है और सटई रोड पर भी जुआ खिलाया जा रहा है। हम लोगों ने इन सब मांगों को लेकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द ये अहाता की जांच कर इसे हटाया जाए, क्योंकि ये अवैध रूप से है। चौबे तेराहे पर जो ठिलियाँ लगाई जाती हैं, हाथ ठेले लगाए जाते हैं, उन पर लोग खड़े होकर ड्रंक करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, उसको हटाया जाए वहाँ से। और यदि एसपी साहब इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग कलेक्टर साहब को भी लिखित आवेदन देंगे, अगर उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मंत्री जी को भी पत्र लिख के आवेदन देंगे और मांग करेंगे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक तरीके से की जाए और सिटी कोतवाली TI के साथ में जो मिलकर ये जो कार्य चल रहे हैं शहर के अंदर, शराबखोरी, जुएखोरी, सट्टे के अड्डे और अभी विगत कुछ दिन पहले हटवारा में एक व्यापारी ने आत्महत्या की है कर्ज को लेकर, क्योंकि पहले यहाँ पर जुए और सट्टे के फल लगाए जाते हैं, बीच मार्केट में जुआ खिलवाया जाता है पुलिस की साठगांठ के माध्यम से, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, सिटी कोतवाली और सिविल लाइन ये इन्वॉल्व है, साथ में जुआ खिलाया जाता है। उसके बाद में जब लोगों पर नई युवा पीढ़ी पर कर्जा होता है तो वे कर्जे के उसमें आकर परेशान होकर के आत्महत्या करते हैं। इन सब चीज़ों पर रोक लगाने बाबत हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, एसपी साहब को कार्रवाई की मांग की। तो कंप्लीट बुलेटिन में इतना ही, खबर दिन भर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।